बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा। हाँ बेटे, फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं क्या कि वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। जो लोग उधर पीछे अभी भी खड़े हैं, कहीं बैठ जाएं भैया, अच्छा नहीं लगता आप लोग खड़े हैं। उधर भी जो लोग आ रहे हैं, गीत को भी सुने लेकिन व्यवस्थित भी होते जाएं। हाँ हाँ बेटा, स्थान ले लें। गीत कह रहा है वो किसी और से मिलके आ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। खैर ये तो बंबई वाले गा रहे हैं। आदरणीय राखी जी के लिए मेरी तरफ से एक बहुत छोटा सा गीत है। पहला गीत, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं, ना इनके जैसा आहार आपको मिलेगा, ना इनके जैसा परिवार आपको मिलेगा, ना इनके जैसा श्रृंगार आपको मिलेगा। इनका सब कुछ बिल्कुल स्पेशल है, बाकी देवताओं से बिल्कुल अलग हटकर। बिल्कुल जैसा ये खाते हैं कोई देवता नहीं खाता, जो ये पी लेते हैं वो कोई देवता नहीं पीता। जैसा इनका परिवार है, दुश्मन भी दोस्त बनकर रहते हैं, एक ही घाट पर पानी पीते हैं शेर और मोर सब। हाँ बड़े, तो बस मेरा निवेदन है भोलेनाथ की, जब बात आई श्रृंगार तो बहुत देखे होंगे आपने भोलेनाथ के। ये एक और मूल्यवान पुरस्कार सम्मानी भैया हमारे आदरणीय उमेश लोधी जी, पूर्व पार्षद प्रत्याशी मल्लपुर, आपके माध्यम से भैया उमेश लोधी जी के माध्यम से 501 मुद्राओं का ये मूल्यवान पुरस्कार है। उमेश भैया हृदय से नमस्कार है आपको और परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। 51 मुद्राएं एक बहुत अच्छे श्रोता भैया हमारे पंडित अनुज कुमार दीक्षित जी, फैजुल्लागंज लखनऊ के निवासी हैं, श्री दुर्गा माता मंदिर आलम नगर सीतापुर। अनुज भैया आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है भैया। लेकिन आप लोग गीत सुने, मेरी पंक्ति कह रही है क्या? मैं जिस समय की बात कर रही हूँ वो समय कौन सा है? ये क्या था वो सावन, और ये हमारे भैया उमेश लोधी जी मल्लपुर, आप पूर्व पार्षद पद प्रत्याशी भी हैं। उमेश भैया की तरफ से हमारे सभी साथी कलाकारों के लिए ये 501 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार। एक बार तालियां उमेश भैया के आपकी बजनी चाहिए। हृदय से नमन है कि आप हमको तो सराह ही रहे हैं, कलाकारों को भी सराह रहे हैं। और ये एक अच्छे श्रोता की पहचान होती है, हृदय से धन्यवाद है। सुनिए, सावन जो सुहावन और बादल छा रहे हैं, और बादल छा रहे हैं तो उस समय हर्षित है घटाए, हर्षित है घटाए भी बौछार कर रही है, हर्षित है घटाए भी बौछार कर रही है। और कब कर रही है? जब हर हर का शिवा सर्पों से सिंगार कर रही है।
शिवा सर्पों से श्रृंगार कर रही है। हर माने भोलेनाथ, भोलेनाथ का श्रृंगार माता भवानी सर्पों से यानी सांपों से कर रही है। क्या बात, और देखिए कैसे कैसे केवल सांप ऐसे ही उठाकर नहीं रख दिए, कौन सा सर्प कैसे पहनाया माने, जरा सुनिएगा। है कुंडल की जगह कुंडल कर को तक गले पड़ा है, क्या बात है भैया, पहले चक्र में समय बचाना है। सही, कुंडल कुंडल नाम के सर्प को मैया ने कुंडल बनाकर पहना दिया, और करकोटक नाम के सर्प को भोलेनाथ के गले में माला बनाकर पहना दिया। तो है कुंडल की जगह कुंडल करकोटक गले पड़ा है, और है कमर नील मणि लिपटा और वासुकी बहु दुर्बला, कमर में नीलमणि और वासुकी नाग को लपेट दिया भैया। और देखिए है कंबल और कालिया, कंबल और कालिया नाग ये सब सर्पों के नाम हैं, के है कंबल और कालिया धृतराष्ट्र धनंजय भी है महाशंख बाहो में शंख चूर्ण पगो में भी है। भोलेनाथ के पैरों में शंख चूर नाम के सर्प को मैया ने लपेट दिया, महाशंख नाम के सर्प को बाहों में पहना दिया, कुंडल को कान में पहना दिया, और इस तरह से श्रृंगार जब हो रहा है, श्रृंगार करते करते सारे सर्प जब शरीर में सजा दिए तो एक सर्प अचानक कम पड़ गया, और जब कम पड़ गया तो देखिए एक कंगन सब बन गया, केवल कंगन बनना रह गया, कंगन बनना रह गया, कहे कंगन पड़ा एक कम तो शिवा विचार कर रही है, पर हर हर का शिवा सर्प श्रृंगार, हमारे राम सजीवन भगत जी आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है, आप लोगों की दया से क्रांतिमाला आपके मंच पर फिर से आई है, हृदय से नमन है भैया को, स्वागत है आपका। गीत को बहुत शीघ्रता में पूरा कर रही हूँ, और देखिए होता क्या है, क्या मैया ने देखा कि एक कंगन कम पड़ रहा है भोलेनाथ की सजावट में, तो माता ने किया क्या, क्या हर जगह से सर्प बुलाए, मोनो भैया आपका स्वागत है हृदय से, और आपके सभी साथियों का स्वागत है, आइए बैठिए। माता ने किया क्या, क्या हर जगह से सर्प बुलाए, ना कोई शेष बचा है, कोई शेष यानी सर्प नहीं रह गया, और गीत को भी आप लोग सुनते रहें। हर जगह से सर्प बुलाए ना कोई शेष बचा है, लेकिन लेकिन हर सर्पों में बस केवल वो शेष ही शेष बचा है, शेष केवल शेष नाग शेष बचा है। अब मैया ने शेष नाग को भोलेनाथ का कंगन बनाने के लिए कहा, तो शेष नाग ने क्या कहा, क्या है आया शेष
चरणों में हिला दिया है। शेषनाग ने कंगन बनने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो मैया ने किया क्या? हुई क्रोध में तभी भवानी तो अंगूठे से दबा दिया। मैया ने शेषनाग को अपने अंगूठे से दबा दिया और जब दबा दिया तो उसकी आंखों से दो आंसू गिरे। मैया ने कंगन बनाकर पहना दिया और शेषनाग की आंखों से दो आंसू गिरे, जिससे एक से सुलोचना एक से सुनैना पैदा हो गई। कहानी सब जानते हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हाथों को सुसज्जित वो इस प्रकार कर रही है, तो हर हर का शिवा सरसों से श्रृंगार कर रही है। और भैया हमारे उमेश भैया यहाँ तक के पुरस्कार लेकर आए हैं। अरे बैठिए, थोड़ा व्यवस्था बना दें, कुछ कुर्सियां और यहाँ डलवा दें ताकि भैया लोग बैठ पाए। आदरणीय हमारे मोनू भैया जी, मोनू सिंह जी, पारा से आप आए हैं, पारा लखनऊ, आपके माध्यम से 501 मुद्राएं हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ, भैया का स्वागत कर रही हूँ और परमात्मा से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। उमेश भैया थोड़ी कुर्सियां और डलवा दें ताकि बाबूजी लोग खड़े हैं बैठे। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कीर्तन जब शुरू किया मैंने, तो कीर्तन का जो पहला प्रोग्राम एक्सीडेंट के बाद मैंने किया वो हमारे मोनू भैया के मंच पर ही मैंने शुरू किया। तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और शायद अब जब तक जीवन रहेगा ये इतिहास लिखा रहेगा। ये इनकी जिद थी हमारे मोनू भैया की कि क्रांतिमाला कार्यक्रम आप तब लीजिए जब मैं अपने मंच पर आपको गवा लूं। क्या बात बेटे। तो मैंने इनसे वादा भी किया, मैंने कहा मोनू भैया अगर आपकी ये इच्छा है तो कार्यक्रम मेरा पहला आपका ही होगा। वो कार्यक्रम आपका किया तो एक बार जोरदार ताली हमारे मोनू भैया के हिम्मत के लिए। आज के इस कार्यक्रम का ये मेरे लिए, मैं पुरस्कार क्या कहूँ, स्नेह है, प्यार है, दुलार है, आशीर्वाद है और बहुत कम कलाकारों को नसीब होता है। हमारे मोनू भैया केवल यही नहीं, इनके जितने भैया हैं और इनकी माता जी भी मुझे बिल्कुल अपनी बिटिया की तरह, बहन की तरह ये लोग सब चाहते हैं और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मेरे जीवन में जुड़े हैं। मोनू भैया की तरफ से ये 1100 रुपए का पुरस्कार है। एक बार तालियां आपकी जोरदार हो जाएं भैया के स्वागत में। तो हृदय से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को और सभी कलाकारों को हमारे मोनू भैया ने पुरस्कृत किया है। हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ और ये स्नेह है, आशीर्वाद लखनऊ में बहुत समय बाद कलाकारों को मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाथों को सुसज्जित, हाथों को सुसज्जित वो इस प्रकार कर रही है, तो हर हर का शिवा सरसों से श्रृंगार। भगवान की एक बार कम से कम यहाँ से वहां तक जयकारा भोलेनाथ का लगना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की।
भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे पता है तुम्हारी ठंडी लग रही है। फिल्म वालों ने गाया है क्या? क्या गाया फिल्म वालों ने? कि वो किसी और किसी और से मिलके आ रहे हैं। मेरे भाई तुमको हमारी भी उम्र लग जाएगी। जीते रहो बेटा जीते रहो, कोरोना से बचते रहो बस। लगे रहो मुन्ना भाई, बड़ा अच्छा गीत अभी आपने सुना है। बढ़िया, आदरणीय बहन जी के माध्यम से। सही है, सही है। उन्होंने कहा क्या कहा? था वो सावन जो सुहावन क्या हो और बादल छा रहे हैं। बढ़िया है, बादल भी छा रहे हैं। सही है, गजब। तो हर्षित हो घटाएं भी बौछार कर रही हैं। शिवा सर्पों से श्रृंगार कर रही है। सही है, बड़ा बेहतरीन गीत दिया है आपने। सही है, हर हर का शिवा सर्पों से श्रृंगार कर रही है। और श्रृंगार भी किया और क्या। तो आपने बताया कि वो सर्प जो है उन्होंने उठा के ऐसे नहीं रख दिए उनको। देखिए कौन से सर्प कैसे बना बना के पहना रही हैं वो। सही है, ये विशेष बात आपने बताई है और क्या। आइए, मैं कोशिश कर रही हूं कि कुछ ना कुछ प्रयास मेरी तरफ से भी हो जाए आपके बहुत अच्छे गीत का। आदरणीय भैया जी सुने, आप सुनिए। बेस हेलो, मैं बेस बना दी। बेस ढोलक का बेस थोड़ा देख लो। हेलो हेलो, देख लो। वाकई बहुत बेहतरीन साउंड आपका बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई जोर नहीं है साउंड का। बहुत दिनों के बाद ऐसा साउंड मिला है। आगे मिले या ना मिले, भैया जी सुने आप। जब एक समय बाबा भोलेनाथ ने ब्रह्मा और विष्णु जी को शब्द रूप में दर्शन दिए। सही है, सही है। आदरणीय बहन जी सुन लेना सभी लोग।
और यहाँ पर पधारे हुए जितने भी हमारे विद्वान श्रोता जन उपस्थित हुए हैं, हाँ, निवेदन है आप सभी लोगों से, जब भोलेनाथ ने ब्रह्मा विष्णु को शब्द रूप में दर्शन दिए, हाँ, तो देखिए भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने दोनों ने मिल करके उनका श्रृंगार किया, और वो भी कैसे किया श्रृंगार, कैसे कैसे किया क्रांतिमाला जी, ब्रह्मा विष्णु दोनों मिलकर के बाबा भोलेनाथ का ना फूलों से ना सर्पों से ना मणियों से ना हीरे मोतियों से, सही है, वो बाबा भोलेनाथ का वर्णों से श्रृंगार कर रहे हैं, क्या बात है, यानी स्वर और व्यंजन उन्होंने सारे वर्णों से उनका श्रृंगार किया, सही है, स्वर और व्यंजनों से उनका श्रृंगार कर रहे हैं, तो आप मेरी बात को सुने, सुनिए बस सुनिए, मेरा कहना है हृदय उद्गार बेचारा डर के मारे माइक भी गिरा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा बहन जी, तो हृदय उद्गार सदविचार वो करतार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे हृदय उद्गार सदविचार वो करतार कर रहे हैं, कौन हरि यानी भगवान विष्णु, जय हो, विधि यानी ब्रह्मा जी, तो हरि और विधि शंभू का सत्कार कर रहे हैं, अरे हरि और विधि शंभू का सत्कार कर रहे हैं, तो मेरा कहना है क्या कि हर हर का स्वर व्यंजनों से श्रृंगार कर रहे हैं, ना सर्पों से, हाँ, ना हीरे मोतियों से, हाँ, और ना फूलों से, क्या बात है, वाह, स्वर और व्यंजनों से श्रृंगार कर रहे हैं, सही है, तो हर का स्वर व्यंजन से श्रृंगार कर रहे हैं। सुरेंद्र, ये हमारे सुरेंद्र भैया आपकी तरफ से 500 रुपए का जो पुरस्कार प्रदत्त हो रहा है, हाँ, पूरा है ना, हाँ पूरा है, क्यों दादा आप पूरा नहीं तो का छुट्टा कर रहे नहीं बेचारे घबरा जाए भी, पूरा बोल दे, बोल दो, गुस्से में देखो ना, बताओ तो कितना बोले, अरे हमको बताओ भैया को ना बताओ, भैया को ना बताओ, हमारे सुरेंद्र भैया की तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार आया है, हाँ, घबराइए नहीं, इसमें से 450 वापस होने हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी सही है, बहुत बहुत धन्यवाद है, अभी दे रहे हैं, एक बार बैठ जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए, उसको ठीक से रख, इसको देखो तो थोड़ा ठीक से रख दीजिए, थोड़ा हिम्मत वाला रखो, बैठे बैठे चलता है, आइए सुनिएगा पहली बात, हाँ सुनिए, अब देखिए
करना प्रारंभ किया दोनों देवताओं ने बाबा भोलेनाथ का। जय हो जय हो। तो छोटा से लेके देखिए कौन कौन से स्वर बाबा भोलेनाथ पर वो श्रृंगार रूप में शोभित कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो है मुख व नेत्र श्रृंगार करना शुरू किया दोनों देवताओं ने। तो है मुख व नेत्र दोनों आई से सजा दिया है। पंक्ति को नोट करिएगा बहन जी। है मुख व नेत्र दोनों आई से सजा दिया है और है ऊ कपोल शोभित आभा दिखा दिया है। ओ कपोल शोभित ये आभा दिखा दिया है। और कौन से स्वर कहां सजाए जा रहे हैं? है दंत पक्ति ऐसे वाह ए जो आता है वो दांतों की पंक्ति में सजा रहे हैं। क्या बात है। तो है दंत पंक्ति ऐसे अरे अद्भुत बदन सजा है अद्भुत बदन सजा है और कासे है हाथ दाया कासे पाया सजा है। दाएं हाथ में काखा गाधा से लेके यहाँ तक सजे हुए हैं। बहुत अच्छे। और फिर बाएं हाथ में चा छा जाझा से लेके यहाँ तक सजे हुए हैं। क्या बात है। ध्यान दीजिएगा सुनिए। तो कासे है दा अरे कासे है हाथ दाया कासे बाया सजा हुआ है। तो कहना पड़ा क्या बाया सजा हुआ है। और क्या कर रहे हैं? क्या वो दोनों देवता बोले आपको अरे है चरण दाता से बहुत गदर काटे हो आज। मार्क्स लगा के आया करो हमें बताओ। हरीश हमारे हरीश भैया फरीदीपुर आपकी तरफ से 50 मुद्राएं हमारे राम बाबू भैया के लिए आपने प्रदत्त की हैं। क्या बात। और भैया हमारे नीरज दीक्षित जी आपकी तरफ से हमारे राम बाबू भैया के लिए 51 मुद्राएं और हमारे नागेंद्र और अरविंद के लिए भी 51 मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। श्री गंगा प्रसाद जी नया हैदरगंज
आपके माध्यम से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। धन्यवाद, सुने आप। अब देखिए आगे क्या श्रृंगार हो रहा है। है चरण टा से, चरणों में कौन कौन से वर्ण है? है चरण टा से रात तक चमत्कार कर रहे हैं, तो हरि और विधि शंभु का, हरि और विधि शंभु का सत्कार कर रहे हैं, तो हर हर का स्वर व्यंजन श्रृंगार कर रहे एक बात और सुनिएगा, वो क्या है? है ता से चरण पाया, लेकर के ताथा दाधा ना, बहुत अच्छे ये सारे वर्ण बाएं पैर में सजे हुए हैं। क्या बात है। और है ता से चरण पाया और पासे उधर सजा है, पासे उधर सजा है, और सुनिए है पावा वासे पार्शो इस कंध भासे सजा है, और कंध भा भावन से सजा हुआ है, है मां से हृदय वो पावन, अरे शिव की यही रजा है, शिव की यही रजा है, और सुनिए सुनिए है या से यज्ञ तलक तरण लग कर ये हृदय लगा है, और सुनिए क्या कर रहे हैं। तो हुए हर्ष तेरा, दोनों देवता ये श्रृंगार करके हुए हर्षित शिव भक्तों पर उपकार कर रहे हैं, हुए हर्षित शिव भक्तों पर उपकार कर रहे हैं। लेकिन बहन जी एक बात और बता दूं आपको। क्या वो क्या है? हालांकि आपने भी नहीं बताया और मैंने भी नहीं बताया, ओ लेकिन बताना आवश्यक है बिल्कुल, क्योंकि आपके गीत में पंक्तियां चल रही हैं। हर्षित हो घटाए भी बौछार कर रही है, तो हर हर का शिवा सर्पों से श्रृंगार कर रही है। सही है, यानी आपके गाने में हा से शुरू है, हा पे बंद है। ये चालाकी का काम है। ये है पढ़ाई लिखाई। गाने में बंदिश चल रही थी बिल्कुल, तो आप मेरे जवाब में भी पूरे में ढूंढ लेना, वही प्रयास मैंने भी किया है। हुए हर्षित शिव भक्तों पर उपकार कर रहे हैं, तो हरि और विधि शंभु का सत्कार कर रहे हैं, हरि और विधि शंभु का सत्कार कर रहे हैं, हर का स्वर व्यंजनों से श्रृंगार कर रहे और ये इन जवाब की लाइनों पर
हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री सजीवन भगत जी के छोटे भैया वाह जितेंद्र भैया जी, आपके माध्यम से 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। और ये पुनः संयुक्त परिवार, एक परिवार साहित्य दर्शन परिवार, सम्मान भैया हमारे शिवानंद जी सरस और डॉक्टर विनोद वर्मा जी, हमारे शिवानंद भैया जो रोशनी अंजान जी के रचनाकार हैं। ओका क्या बात। और बड़ा सौभाग्य जो आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत दूर से आए मगर दो दो काम निपटाके एक पंथ दो काज। सही है, सही है, ये भी सही है। किराया बता रहे जवाबी भी सुन रहे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। क्या बात है, ये भी सही है। ये बड़े शिवानंद भैया की ओर से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से, आशीर्वाद की कामना है। और ये 51 पत्र मुद्राएं हमारे दादा श्री जेपी साहू जी आपके कर कमलों से ये 51 मुद्राएं इस जवाब को लिखने के लिए हमारे उमेश भैया के लिए आपने प्रदत्त की हैं। दरबार की जय हो।